कुत्ता पालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। कुत्ता पालन कुत्ता पालकों में कई किस्म के बदलाव भी लाता है। कई बार कुत्ता पालक कुत्तों के साथ रहते रहते कुत्तों जैसे भी होने लगते हैं। इन कुत्ता पालकों के साथ वक्त गुजारना बड़ा तकलीफदेह भी हो सकता है, क्योंकि उनका आधा ध्यान अपने कुत्तों पर होता है। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने स्तंभ न काहू से पैर में इन्हीं कुत्ता पालकों पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो आज मुझे लगा कि एक हास्य वाली रचना फॉर ए चेंज जो बोलता रहता हूँ उसमें थोड़ा सा हास्य ज़्यादा हो, व्यंग्य तो होगा ही, तो एक हास्य व्यंग्य की रचना, कुत्ता पालने पर दुविधा चिंतन, कुत्ता पालने को लेके एक रचना है, आप सुनिए। मैं शुरू करता हूँ। रचना यूं है कि आजकल मेरे घर में इस बात पर बहस चल रही है कि कुत्ता पाला जाए या नहीं। आज तक हमने कोई कुत्ता पाला नहीं। कुछ तो पत्नी को ऑब्जेक्शन था कि आपके रहते हुए जब तुम घर में रहते हो तो एक और की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा ये कि हमने कुत्ता पालते हुए जिनको देखा है वो ऐसा दारुण था कि हमें हिम्मत नहीं हुई कि हम कुत्ता पालें। कुत्ता पालने वाला आदमी इतना कुत्तामय हो जाता है कि बाद में पता ही नहीं चलता कि कुत्ता कहाँ खत्म हो रहा है और वे स्वयं कहाँ शुरू हो रहे हैं। वे सड़क पर कभी मिलते भी हैं तो कुत्ता हमेशा उनके साथ होता है। 5 मिनट अगर आपसे बात करते हैं तो 2 मिनट वो कुत्ते से और 3 मिनट आपसे बात करते हैं। और कब वो कुत्ते को पूछ-पूछ कर रहे हैं और कब वे आपको पूछ-पूछ कर रहे हैं पता नहीं चलता। तो कुत्ते पालने वाले, खासकर दो अगर कुत्ते पालने वाले आपस में मिल जाएं सड़क पर, तब वो दृश्य तो बहुत ही दारुण होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम वो एक कुत्ता इस दिशा में खींच रहा है, उनको उस कुत्ता उस दिशा में खींच रहा है, उनकी बातचीत भी कुत्ते के विषय में ही ज्यादा चलती है। तो कुत्ता पालना बड़ा दिक्कत वाली चीज है भाई साहब। और आदमी रहते हुए आप कुत्ते को पालते क्यों हैं? क्योंकि मुझे लगता है कुत्ते और आदमी के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है, वो ये है कि कुत्ता हरदम कुत्ता होता है। जो कुत्ता सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में कुत्ता था वो गोधूली के समय भी आप उसे पाएंगे कि वो कुत्ता ही है। हो सकता है उस समय तक वो दिन भर क्लांत होकर ज्यादा कुत्ता हो जाए, पर वो कुत्ता ही रहता है। इधर आदमी का ऐसा नहीं है भाई साहब, वो आदमी भी हो सकता है और बीच बीच में अच्छा खासा कुत्ता भी हो सकता है। कई आदमी तो इतने कुत्ता होते हैं और ज्यादातर टाइम कुत्ते होते हैं और कुत्ते ही रहते हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि भगवान ने इन्हें सीधे कुत्ता ही क्यों नहीं बना दिया। आदमी होना उन पर एक बोझ सा लगता है। वे वंचितों, कमजोरों, अपने से नीचे वालों पर कुत्तों की तरह भौंकते काटते हैं और अपने से बलवान बड़े और बॉस टाइप के लोगों के सामने कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते हैं, लोट लोट जाते हैं, जीभ निकाल के हैं करते हैं और बाकी के टाइम कुत्तों की भांति यहां वहां मामले और काम की चीजें सूंघते रहते हैं। ऐसे कुत्ता आदमी भी होते हैं। और ऐसा कुत्ता आदमी जब स्वयं कुत्ता पाल ले तब दृश्य बड़ा मजेदार हो जाता है। ऐसा समझिए कि कुत्ता इनको देख देख कर और कुत्ता बन जाता है। वह स्वयं इनसे कुत्तागिरी सीखता है। वे भी कुत्ते से कुछ सीखते होंगे। दोनों एक दूसरे की कुत्तागिरी में सहायक लगते हैं। पता नहीं चलता कि कौन किसको पाल रहा है। बाहर बंगले के गेट पर दोनों की नेम प्लेट लगी रहती है। बस फर्क यह रहता है कि एक के नाम के साथ सावधान रहने की चेतावनी नहीं लिखी रहती। तो भैया कुत्तों को, वैसे मेरा मानना है कि कुत्तों को अपना पालने का कोई शौक नहीं है। मुझे हमेशा आदमी द्वारा पाले गए कुत्ते बड़े उदास टाइप के लगते हैं। वे आवारा कुत्तों के चेहरों पर जो एक बेपरवाह किस्म की आनंदमयी
कुत्तागिरी छाई रहती है वो बंगले में पल रहे कुत्ते के चेहरे से नदारद होती है, क्यों कुत्ते मूलतः कुत्ता रहना चाहते हैं और आदमी कुत्ते को कुत्ता भी नहीं रहने देना चाहता, उसे आदमी टाइप बनाने की कोशिश करता है। समय पर उठो बैठो खाओ, समय पर बाहर ले जाए तो पेशाब टट्टी करो। पालतू कुत्ते को इतनी चीजें याद करनी पड़ती हैं कि वो बेचारा कुत्ता रहना ही भूल जाता है। तो ये किसी आदमी की हरकत भी ये है कि वो किसी को आनंद पूर्वक रहना ही नहीं चाहता। जब आदमी की ही स्वतंत्रता वो बर्दाश्त नहीं करता तो भला कुत्ते की क्यों कर करेगा। तो इसीलिए मैं कुत्ते को स्वतंत्र रखना चाहता हूँ, मैं उसे पालूंगा नहीं। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।